हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं फिर क्विक सेल्स का व्लॉग। तो गाइस, आज मैं बना रहा हूँ डंजन गाइड का पार्ट 3, जिसमें मैं बताऊंगा सारी पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं और पूरी पजल्स की गाइड दूंगा। डंजन में जितनी भी पजल्स होती हैं मैं सबको सॉल्व करना बताऊँगा, और सबकी कोई अगर ईजी ट्रिक हुई तो आपको वो भी बताऊँगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए। हम यूट्यूब रैंक के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पजल है ये ट्रैप रूम। वैसे तो यहाँ सीक्रेट में चाहिए था, लेकिन मैंने इसको पजल में ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सुपर बम टीएनटी लगाना है, और यहाँ पे एक लीवर अनलॉक होगा और आपको इसको खोल देना है। लेकिन आपको ध्यान देना, आप यहाँ पे ना जाएं वरना आप यहाँ नीचे गिर जाएंगे और ये सिल्वर फिश आपको मार देंगे। तो गाइस, अब यहाँ पे है पार्कोर। अब आपको यहाँ से एरो से बचता हुआ पार्कोर करके जाना है और यहाँ से चेस्ट को लेना है। लेकिन ध्यान रहिएगा, अगर आप गिर गए तो ट्रैप से आप मर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। अब यहाँ पे मुझे लगा था ये ग्लिच हो गया, लेकिन मैंने देखा कि पहले किसी टीममेट ने ये ले लिया था। तो चलिए हम वापस चलते हैं, और ध्यान रखिए कि आपके पास ये डिफ्यूजल किट होनी चाहिए। ये आपको यहीं पे सीक्रेट्स में चेस्ट में मिल जाएगी, ये आपको बहुत काम आएगी इस ट्रैप में। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप होंगे ट्रिप वायर के, आप उनको अनलॉक करना होगा, जैसे कि 11। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पीछे आपको एरो होंगे वो मार सकते हैं, तो आपको पीछे रहना होगा। अब जैसे ये दीवार पीछे है, आपको भाग के यहाँ पे TNT लगाना है। ध्यान रखिएगा उस साइड ना जाएं, वरना जैसे ही आप वो चेस्ट खोलेंगे तो आपके ऊपर TNT गिरेंगे और आप मर जाएंगे। तब आपको यहाँ की सारी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देना है शीयर से, और अब आपको आगे बढ़ना है एरो से बचते हुए। तब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा, गहरा। इसके अंदर एक लेवर होगा छुपा हुआ, तो आपको उसको ट्राई करना है अनलॉक करने का। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीछे से आपको एरो लगेंगे तो आपको ज़्यादा डैमेज मिल सकते हैं। तब वो अनलॉक हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से है छोटा सा पार्कोर, अगर आप यहाँ से गिर गए तो आपको दोबारा सब कुछ करना होगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है। तब आप यहाँ पर क्राउच करके आगे जाना है, और यहाँ पे हो चुका है आपका पजल पार। अब यहाँ पे रही चेस्ट, आप इनको अनलॉक कर सकते हैं। और यहीं पे एक सीक्रेट है, जो कि मैं अपनी सीक्रेट वाली वीडियो में दिखाना भूल गया था। यहाँ पे एक छोटा सा रूम है जहाँ से एक बैट निकलता है, अभी निकलने ही वाला होगा। तो ये रहा बैट, इसको मारेंगे तो आपका तीसरा सीक्रेट भी पूरा हो जाएगा इस रूम का। तो हमने उसको मार दिया और हमारे तीनों सीक्रेट पूरे हो चुके हैं। अब आप यहीं से वापस जा सकते हैं, वापस के लिए आपको फिर से पजल करनी पड़ेगी। तो गाइस, सेकंड पजल है टिक-टैक-टू। ये सबसे इजी पजल है और इसको फेल करने का कोई चांस ही नहीं है। इसको बस आपको हर बार एक स्टेप फॉलो करना है और आपका आराम से पार हो जाएगा। आपको बस पहले दोनों कॉर्नर्स पर लगाना है, फिर वो मिडल पर लगाएगा और आपको नीचे लगाना है, फिर आप कहीं भी लगा सकते हैं। वैसे रिटायर हो चुका है और ये अनलॉक हो जाएगा। अब आप ये चेस्ट ले सकते हैं। और दूसरा सीक्रेट है, तो मैं पहले दिखा देता हूँ। तो गाइस, थर्ड है ये टेलीपोर्ट पैड पजल। ये सबसे आसान है और इसको भी मिस करने का कोई चांस नहीं है। इसमें आपको बस सीधा सीधा एक ही साइड पर जाना होता है और आप सीधा चेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं। आप जैसे जैसे चलते रहेंगे तो 3-4 रूम बाद आप सीधा चेस्ट रूम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे चेस्ट आ चुकी है, अब हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो जैसे चेस्ट आपको सामान मिल जाए, तो चेस्ट के आगे जो पजल है उससे आप वापस जा सकते हैं। तो गाइस, चौथे है ये सिल्वर फिश पजल। ये भी काफ़ी ईजी है, इसका एक ही पैटर्न है, अगर आप इसको फॉलो करें तो आपका ये मिस नहीं होगा और सीधा सिल्वर फिश आपका अनलॉक हो जाएगा वो चेस्ट। तो मैं जिस पैटर्न से कह रहा हूँ आप भी उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। आप इस पैटर्न को याद कर सकते हैं तो फिर आपका आसानी होगी हर बार। और जो लास्ट स्टेप है, और ये चेस्ट अनलॉक हो चुकी है। तो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाटर बोर्ड पजल। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये सब दिमाग का खेल है। यहाँ पे आपके पास बड़ा सा वाटर बोर्ड होता है, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स लगे होते हैं और नीचे ये होल्स होते हैं। आपको इन होल्स में पानी गिराना होता है। जैसे ये नीचे गिरता है तो नीचे एक वो चेस्ट होती है, उसके आगे वूल्स खुल जाते हैं दरवाजे, और फिर आप चेस्ट को खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पानी को चारों जो भी नीचे कलर्स होंगे उनमें डालना होता है। तो इसमें आपको बस देखते जाना है, एक बार आपको पानी अनलॉक करना है इस लेवल से, और अब आपको देखने के पानी कहाँ जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको उनको बंद या खोलना है, जैसे कि पानी सीधा उसके अंदर चला जाए। तो अभी देख सकते हैं लाल वाला खुल चुका है। अगर ऑरेंज वाला, अगर मैं ऑरेंज को देखूँ तो ऑरेंज इस तरफ से आएगा, तो उसके लिए मैं सेटिंग कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे बस ध्यान से सोचना होगा कि पानी कहाँ जाएगा, और फिर आप इनको अनलॉक या लॉक कर सकते हैं, और जैसे आपको सही लगे फिर आप खोल सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर पानी दोबारा से उसमें एक जो अनलॉक है उसमें पानी चला गया तो दोबारा से लॉक हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान देना होगा। तब जो ऑरेंज वाला भी अनलॉक हो चुका है,
अब हम चलते हैं पर्पल वाले की तरफ। पर्पल के लिए मेरे ख्याल से मुझे इसको ऑफ करना होगा। अब मेरे ख्याल चले जाएगा पानी उसमें। लाजमी नहीं आप एक तरीके से करें, इसके एक दो तरीके होते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये इस तरफ से जा रहे हैं, और अगर मैं दूसरे से करता तो सीधा चला जाता है पर्पल। तो ये चेस अनलॉक हो चुकी है, ये भी काफ़ी ईजी था। तो नेक्स्ट पजल हमारे पास है बॉक्सेस पजल। ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसके कुछ कुछ चांसेस होते हैं, कभी ईजी आती है और कभी मुश्किल। तो इस बार इसमें ईजी आई है मेरे ख्याल से, मुझे सिर्फ दो तीन बॉक्सेस मूव करने होंगे। इसमें आपके पास एंड में चेस्ट होती है, आपको ये बॉक्सेस को मूव करना होता है ध्यान से, और आपको पाथ बनाना होता है चेस्ट की तरफ, और फिर आपको चेस्ट में आइटम मिल जाते हैं। लेकिन ये कभी कभार बॉक्सेस अगर आप गलत मूव कर दें तो आपका रास्ता बंद हो जाता है और फिर ये फेल हो जाती है। अभी मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, कोई ईजी हो तो। ये तो काफ़ी ईजी थी। तो गाइस ये मेरे दूसरे आया, लेकिन इस बार भी मेरे काफ़ी ईजी आया। इस बार भी मेरे ख्याल से मैं अगर दो तीन को मूव करूँ तो हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको आगे कर लेता हूँ फिर से। अगर मैं राइट साइड जाऊँगा तो मेरा अनलॉक हो जाएगा रास्ता। ये ध्यान देने की चीज़ है, अगर मैं इसको सीधा जाता तो फिर मेरा रास्ता बंद हो जाता। गाइस नेक्स्ट हमारे पास है क्रीपर पजल। ये भी काफ़ी आसान है और इसको भी फेल करने का कोई चांस नहीं है। इसमें आपको ना चार लाइट बीम को क्रीपर से पास करना होता है। इसके लिए आपको चाहिए कोई भी बो, अभी मैं ये बो यूज़ कर रहा हूँ। आपको दो लाइट्स को हिट करना होता है इस तरह कि वो क्रीपर में से पास हो। आप जैसे एक पे लगाएंगे फिर दूसरे पे लगाएंगे तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर ये क्रीपर से पास हो रही होंगी तो आपको चार लाइट पास करनी है, जिससे फिर क्रीपर फट जाएगा और चेस अनलॉक हो जाएगी। एक तो ऑब्वियस है ऊपर और नीचे वाला, और बाकी आप साइड वाले और कॉर्नर्स वाले कर सकते हैं। तो अभी मेरे चार हो चुके हैं, लेकिन ये क्रीपर से पास नहीं हुआ इसलिए अनलॉक नहीं हुआ। अब मैं एक और कर लेता हूँ। मैं टर्मिनेटर से करता हूँ, लेकिन उसमें जो होता है तीन एरोज होते हैं, तो एक उसको अनलॉक करती है और दूसरी उसको दोबारा से लॉक कर देती है, इसलिए उस से हो नहीं पाता। तो क्या चाहिए, ये लास्ट पजल इसकी, ये हमारी सबसे मुश्किल पजल है और बहुत सारे लोग इसी में फेल हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि कौन से में है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, जिसको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे। तो ये ट्रिक काफ़ी सिंपल है, इनके हर बार सेम ही क्वेश्चन आते हैं, छः क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उनको याद कर लें तो आप उनको आराम से कर सकती है। मैं आपको सारे छः क्वेश्चन और उनके आंसर बता देता हूँ। हर बार क्वेश्चन सेम ही होंगे, लेकिन लोगों के नाम चेंज होंगे। हर बार अलग अलग नाम के लोगों के पास होंगे और उनकी लोकेशन भी चेंज होगी। लाजमी है कि वो सेंटर में हो, आपको बस उसका डायलॉग याद रखना है जो सही आंसर होगा। अब मैं आपको एक एक करके सारे छः दिखा देता हूँ कौन से हैं। तो सबसे पहले है ये, इसमें भी तीन लोग होंगे और जो सही डायलॉग है उसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया, और वो है द रिवार्ड इज़ नॉट इन माई चेस्ट। अब ये सेकेंड पर्सन है, आप इन सब का देख लेते हैं, मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। आप इन सब आंसर्स को याद कर सकते हैं, सिर्फ ग्रीन वाले याद कीजिएगा, और जो भी जिसके पास भी ये डायलॉग हो आप उसको चूज़ कर देंगे। आपको उनको तीनों को राइट क्लिक करना होगा, तीनों डायलॉग कहेंगे और जो डायलॉग मैच कर रहा होगा आप उसको चेस खोल देंगे। तो गाइस ये लास्ट डायलॉग, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो गाइस अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपके ये आराम से पजल पार हो जाएगी। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।